गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा कि कल हमारी लाइव क्लास के अंदर आपने देखा, कुछ बच्चों को कुछ माइनर्स प्रॉब्लम्स थी, उन माइनर प्रॉब्लम्स को बेटा आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो उसमें से कुछ मेजर प्रॉब्लम रही बेटा, जो वो रही बेटा ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है और ग्राम एटम क्या होता है। बहुत ही सिंपल सी टर्म्स है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस डेफिनेशन को रीड आउट करोगे, उसके बाद आप देखोगे बेटा ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटम क्या होता है। ओके, तो बेटा ध्यान रहे, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज द ग्राम एटॉमिक मास। कि जब भी हम किसी एलिमेंट्स के मास को ग्राम के अंदर एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो बेटा ग्राम एटॉमिक मास कंसीडर किया जाता है। अब माइंड के अंदर क्वेश्चन ये आ रहा होगा बेटा, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कहाँ से आया, या फिर आप बोल सकते हो उस एलिमेंट्स का एटॉमिक मास क्या होता है। तो बेटा ये डेफिनेशन आई, आप यहां से देखोगे एक बार, कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, जिसको हम बेटा एएमयू एटॉमिक मास यूनिट के साथ भी रेफर करेंगे। ओके, किसी भी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास यूनिट होती है वो होती है, आपने ध्यान रखना है, हमने कार्बन के मास को बेटा हमेशा रेफरेंस मान के चले। मींस कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है बेटा 12 ग्राम। तो कार्बन के मास को हमने रेफरेंस माना। रेफरेंस किस टाइप से माना बेटा, कि हमने कहा कि जो वन एटॉमिक मास यूनिट होती है बेटा, जो वन एएमयू होती है, वन एटॉमिक मास यूनिट होती है कार्बन के मास को बेटा 12 ग्राम को, जब हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, ओके, दैट विल बी इक्वल टू वन एटॉमिक मास यूनिट। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे 1 AM जो आप मानोगे बेटा यहाँ पे 1 के इक्वल चली जाएगी अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो एटॉमिक मास जो होता है या फिर जो AMU एटॉमिक मास यूनिट होती है, किसी भी एलिमेंट्स का मास लोगे उस मास को बेटा 1/12 मास ऑफ द कार्बन से डिवाइड कर दोगे। 1/12 का मतलब वही रहेगा बेटा, 12 ग्राम होता है कार्बन का मास, और 12 से डिवाइड करने के बाद अप्रोक्सीमेटली वो 1 के इक्वल चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स मींस एएमयू विल बी इक्वल टू द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स एज कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। मींस कार्बन का बेटा जो 12 ग्राम का आइसोटोप्स होता है उसके रिलेटिव में जो बेटा मास लेके चलते हैं उसको हम एएमयू का नाम देंगे। ओके, ओके, तो यहाँ तक बेटा हमने देखा एटॉमिक मास यूनिट से क्या मतलब रहता है। सिंपली आपने बोलना है बेटा किसी भी एलिमेंट्स के जो मास लेके चलते हैं उसको कार्बन के साथ जब कंपेयर करके देखते हैं बेटा उसको हम एटॉमिक मास यूनिट का नाम दे देंगे। ओके, तो अब आपने बेटा यहाँ पे ध्यान देना है ग्राम एटॉमिक मास क्या रहेगा। बेटा ग्राम एटॉमिक मास रहता है एटॉमिक मास ऑफ द एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम। कि जब हम एटॉमिक मास को ग्राम के अंदर एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एटॉमिक मास यूनिट। ये एएमयू आया बेटा जी आपके कार्बन के मास के साथ कंपेयर करने के बाद। बट अगर आप कहते हो बेटा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जब एएमयू को एटॉमिक मास यूनिट को जी के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, मींस इसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ग्राम के साथ एक्सप्रेस कर देते हैं, तो बेटा वो ग्राम एटॉमिक मास कंसिडर किया जाएगा, मींस बन जाएगा। ओके, आई थिंक बेटा ये बातें बहुत क्लियर हो चुकी होंगी, ज़्यादा बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी टर्म्स है, कन्फ्यूजिंग जरूर है, ठीक है, अगर कन्फ्यूजन मिल रही है बेटा प्लीज कॉल मी। ओके, अब बेटा बात करेंगे हम कि यहाँ पे ग्राम एटम क्या होता है। ओके, तो बेटा ध्यान रहे जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट्स का या फिर किसी भी मॉलिक्यूल्स का वो हमेशा ही उसके ग्राम एटम के इक्वल होता है। आप बोल सकते हो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास आया वो ऑक्सीजन के 1 ग्राम एटम के इक्वल गया। ध्यान रहे बेटा यहाँ पे जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आता है उस एटॉमिक मास को हम ऑक्सीजन का 1 ग्राम एटम कंसीडर करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ कन्फ्यूजिंग टर्म, बट प्लीज़ बेटा रिमाइंड करके रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चलना है ये बातें। अगर मैं बात करता हूँ बेटा 1 ग्राम एटम, बेटा 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो बेटा जो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 ग्राम एटम के इक्वल जाएगा, मींस 14 ग्राम के इक्वल जाएगा बेटा जी इसका,
मीन्स 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ द नाइट्रोजन। तो इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे बेटा उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर बहुत अच्छे से आपका ई वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर देख सकते हो बेटा, तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है बेटा कैलकुलेट मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम ऑफ द कैल्शियम, मींस 1.5 ग्राम ऑफ एटम कैल्शियम का आपने मास कैलकुलेट करना है। तो अभी लास्ट डेफिनेशन से आपको पता चला बेटा 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट्स इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, मींस 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 14 ग्राम, बिकॉज कैल्शियम हैविंग द एटॉमिक मास इज इक्वल टू 40 ग्राम। ओके, तो 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम के इक्वल होगा। अब आपने बेटा कैलकुलेट करना है 1.5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, 1.5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम विल इक्वल टू 40 को बेटा 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 60 ग्राम, आपका पास 60 ग्राम आ जाएगा बेटा 1.5 ग्राम एटम का जो मास रहेगा। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप डिस्कशन कर सकते हो जो कि इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेड रहेगा। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो बेटा, आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया ग्राम एटम इन 12.8 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन, मींस बेटा 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने ग्राम एटम रहेंगे। तो आप सभी बच्चों को लास्ट डेफिनेशन से क्लियर हुआ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम, बिकॉज आपने बेटा अभी कहा कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो हमेशा उसके 1 ग्राम एटम के इक्वल होता है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम, तो इसको बेटा इस टाइप से भी आप नोट कर सकते हो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1/16 ग्राम एटम, 12.8 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन 1/16 को बेटा मल्टीप्लाई करोगे 12.8 से, मीन्स आपका 0.8 ग्राम एटम आपका आंसर आ जाएगा बेटा इस 12.8 ग्राम के अंदर। ओके, तो बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने आज ही मेरे साथ बेटा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करना है या फिर बेटा डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।